रक्षाबंधन का त्योहार प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी महिलाओं और बच्चों ने बांधी राखी। केंद्रीय जेल में कैदियों को राखी बांधने के लिए दूर दूर से पहुंची बहनें, कतारों में लगकर भाइयों को बांधी राखी। बस्तर जिले के सतोषा गांव में मनाया गया पौधारोपण महोत्सव। ग्रामीणों ने पौधों की सुरक्षा के लिए ली शपथ। और राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा में कल माओवादी मुठभेड़ में शहीद दो जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार भाई बहन के आपसी प्रेम का प्रतीक है। इस मौके पर बहनें भाइयों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी उन्हें जीवन भर साथ निभाने और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार काफी खास रहा, क्योंकि इस दिन सावन का अंतिम सोमवार होने के कारण इसे काफी शुभ माना जा रहा है। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भी आज रक्षाबंधन त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को स्कूली और दिव्यांग बच्चों से लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाओं और ब्रह्मकुमारी बहनों ने भी राखी बांधी। मुख्यमंत्री को राखी बांधने वालों में राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साहू भी शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने सभी से बड़े चाव से राखी बंधवाई। उन्होंने इस पावन अवसर पर प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। तो मुझे खुशी होती है कि आज के इस अवसर पे समाज के सभी लोगों के साथ भागीदारी, सभी बहनों के साथ भागीदारी और मेरी ओर से रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये रक्षाबंधन आपके जीवन में मंगल लेके आए, आपके जीवन में वृद्धि हो, आप आगे बढ़ें। इस अवसर पे मैं देशवासियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। राजभवन में भी रक्षाबंधन का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल बलरामजी दास टंडन को मंत्री रमशीला साहू के अलावा स्कूली बच्चों और महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधा। राज्यपाल ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। उधर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीबीएन राधाकृष्णन ने अपने बधाई संदेश में सभी भाइयों से अपील की कि वे धर्म जाति से ऊपर उठकर राज्य की सभी महिलाओं के हित में कार्य करें। उधर रायपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों को राखी बांधने के लिए दूर दूर से बहनें पहुंची। इस बार भी सेंट्रल जेल में बहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जेल प्रशासन द्वारा राखी के लिए व्यापक तैयारियां की गई थीं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जवानों के साथ ही पुराने कैदियों की ड्यूटी वॉलंटियर के तौर पर लगाई गई थी। जेल में सजा काट रहे भाइयों से मिलकर बहनें काफी भावुक नजर आईं। उन्होंने भाई की कलाइयों में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। रायपुर केंद्रीय जेल के उप महानिरीक्षक के गुप्ता ने बताया कि इस बार कैदियों को राखी बांधने के लिए 1100 बहनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। पावन पर्व पर उनके लिए विशेष इंतजाम शासन की तरफ से किए जाते हैं। उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, करीब 1100 से अधिक रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके थे, पर जितनी भी बहनें जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं वो भी जेल में आके अपने भाइयों को उनकी कलाई पर राखी बांध सकते हैं। और इसमें व्यवस्था थोड़ी कड़ी की गई है। वहीं दुर्ग केंद्रीय जेल में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंची। उन्होंने जेल में सजा काट रहे अपने भाइयों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और उन्हें राखी बांधी। बहनों ने भाई की जल्दी रिहाई के लिए भी दुआ की। उधर राखी को लेकर दुर्ग के बाजारों में काफी रौनक रही। मिठाई और राखी की दुकानों में खासतौर से ज्यादा भीड़ देखी गई।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाइए, इधर आप, इधर आइए, इधर घुसो, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लावो अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च शिक्षा में शोध की जरूरत बताते हुए कहा कि आने वाले समय में देश में 20 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रपति भवन में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। गुजरात के कोली समाज के लोगों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और इस मौके पर कोली समाज की महिलाओं ने राष्ट्रपति को राखी बांधी। राष्ट्रपति ने इस पावन पर्व पर देश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। देश भर से आए बच्चों और महिलाओं ने प्रधानमंत्री की कलाई में राखी बांधकर ये त्यौहार मनाया। वृंदावन से आई विधवाओं ने भी प्रधानमंत्री को राखी बांधी। छोटी बच्चियों से राखी बंधवाकर प्रधानमंत्री काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर देश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। 7 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसी दिन 1905 में देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन इकाइयों को पुनर्जीवित करना था। इसी की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल अच्छी बारिश हुई, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश रामानुजगंज में हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में द्रोणिका और चक्रवात का एक साथ असर पड़ा है, इसके असर से राज्य में बारिश हो रही है। बलरामपुर जिले में हो रही लगातार बारिश से चना नदी उफान पर है। जिले के नवाडी गांव में कल शाम एक 7 साल के बच्चे ने नहाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और वो तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों के साथ साथ प्रशासन ने भी बच्चे की खोजबीन के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सूरजपुर जिले में कोल्हुआ गांव में मलेरिया बुखार से एक बच्ची की मौत होने का मामला सामने आया है। इसे मिलाकर जिले में अब तक 14 लोगों की मौत मलेरिया से हो गई है। कोल्हुआ गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थायी कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार आगामी 14 अगस्त को अपने कार्यकाल का 5000 दिन पूरा करने जा रही है। इस मौके पर स्कूल और कॉलेजों में निबंध, स्लोगन और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में इस पोस्टर का विमोचन किया। सांपों के प्रति अंधविश्वास और भय दूर करने के उद्देश्य से भिलाई में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्प मित्र संस्था के सदस्यों द्वारा कार्यशाला में सांप की विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन करते हुए उसके स्वभाव और जहर की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सांप पकड़ना सिखाया गया। रायपुर के कमला देवी संगीत महाविद्यालय में कल सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अनेक छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों की प्रस्तुति देकर मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में 15 से अधिक गायकों ने गीत, गजल और भजन प्रस्तुत किए। विजेताओं को पुरस्कार के रूप में नगद राशि और प्रमाण पत्र दिए गए।
अब कुछ खबरें विस्तार से। बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड के सतोषा गांव में पौधारोपण महोत्सव मनाया गया। हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बस्तर में और हरियाली लाने के लिए पौधारोपण को जरूरी बताया। कार्यक्रम को नागरिक आपूर्ति निगम की अध्यक्ष लता ओसेंडी ने भी संबोधित किया। पौधारोपण कार्यक्रम के तहत सतोषा के मावली मुड़ा पारा में करीब 10 एकड़ वन भूमि में विभिन्न प्रजातियों के 1,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने 2,000 पौधे लगाकर हरियर छत्तीसगढ़ योजना की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने पौधों की सुरक्षा की भी शपथ ली। राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा में कल माओवादी मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों को आज राजनांदगांव में श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में शहीद एसआई युगल किशोर वर्मा और आरक्षक कृष्णलाल साहू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनकी शहादत को नमन करने के लिए जनप्रतिनिधि, आईजी, कलेक्टर सहित पुलिस और प्रशासन के आला अफसर मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि जवानों के पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम भेज दिए गए हैं। पुलिस पार्टी और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, उसमें जिला पुलिस बल के जवानों की पार्टी थी और इस मुठभेड़ में 2 से 3 बजे के बीच में यह मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में गोलीबारी के बाद हमारे 2 जवान उसमें शहीद हुए हैं, सब इंस्पेक्टर युगल वर्मा और आरक्षक कृष्णलाल साहू इस घटना में शहीद हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। युगल किशोर वर्मा खरोरा थाना क्षेत्र के कनके गांव में उनका पैतृक निवास है, यहाँ के बाद उनका अंतिम संस्कार वहाँ पे किया जाएगा। और आरक्षक कृष्णलाल साहू जिले के अंबागढ़ चौकी एरिया के शशान पेरी गांव का निवासी था, उसका अंतिम संस्कार वहाँ पे किया जाएगा। इस घटना के बाद से पुलिस ने इलाके में गश्त तेज कर दी है। जाने माने मानव अधिकार कार्यकर्ता फूलमन चौधरी इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान वे आदिवासियों से मिलकर उनसे चर्चा भी करेंगे। श्री चौधरी ने आज दंतेवाड़ा का दौरा किया। वे अपने प्रवास के दौरान सुकमा, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर के अलावा धमतरी भी जाएंगे। आज जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आदिवासी जनजातियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया। देखिए, मैं यहाँ का आदिवासी जनजाति जो है उनसे भी मिला हूँ और यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आदिवासी जनजातियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जो काफी समय से वो काम कर रहे हैं उनसे भी मिला हूँ और यहाँ का जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनसे भी मुलाकात हुआ है। तो मुझे लगता है अगर हम सभी लोग आदिवासी जनजातियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हमें सभी लोगों हम काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो जरूर ये आदिवासी जनजातियों को अधिकार सुनिश्चित होगा। मानव अधिकार कार्यकर्ता फूलमन चौधरी अपने बस्तर प्रवास के दौरान दंतेवाड़ा में आयोजित सर्व आदिवासी समाज की सभा में भी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी महिलाओं और बच्चों ने बांधी राखी। केंद्रीय जेल में कैदियों को राखी बांधने के लिए दूर दूर से पहुंची बहनें, कतारों में लगकर भाइयों को बांधी राखी। बस्तर जिले के सतोषा गांव में मनाया गया पौधारोपण महोत्सव। ग्रामीणों ने पौधों की सुरक्षा के लिए ली शपथ। और राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा में कल माओवादी मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।